been a very good movie, I'm telling you. मेरी बात सुनो, वो लड़का मेजर संदीप, उसने जो सिनेमाटोग्राफी है ना, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा देख रहा है उसी डैडी के कंधे में बैठ के, सडनली नेवी डे दिखाते हैं, वहां से ड्रीम उसका शुरू होता है कि वो नेवी में जाना चाहता है, नेवी से रिजेक्ट होता है, वो नैने सी में जाता है। ये हमारे हीरोज हैं और हम लोग डिबेट देख रहे हैं यार, हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग इनकी इनकी इन्होंने किसके लिए जान दी है, हमें बचाने के लिए। और हमारी मीडिया ये नहीं देख सकती कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे पॉल्यूशन हटे, हमारे ऐसे फैक्ट्रीज लगे ताकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बेटर वेपन मिल पाए, हमारे डिफेंस सिस्टम बन पाए। एक जापानीज, एक कोरियन, एक कैनेडियन, एक यूरोपियन बैठ के मजे से रह रहा है, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पे कुछ माए हैं जिनके बच्चे में इतनी वीरता है, जो जाके यहाँ लड़ रहे हैं, कम रिसोर्सेस के लिए लड़ रहे हैं, अकेले गया वो ऊपर, एंड ही सेड डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। एंड आई स्पेशल थैंक्स टू अदिवि शेष, जिन्होंने ऐसा मूवी उन्होंने हमारे लिए बनाया। हमें पता चला संदीप उन्नीकृष्णन जी के बारे में, किसी को पता नहीं था। और मूवी ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक तालियां बजी थी सबके लिए, अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड थैंक्स टू मेक दिस फिल्म। काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और उन एज ए न्यू कमर उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, मतलब रोल किया है और बिलीवेबल है, बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। और मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, ये 2008 की बात है, ये पूरा इंसिडेंट जो है मैंने खुद टीवी पे देखा था, एट दैट टाइम आई वाज वेरी स्मॉल, तो मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी कि मतलब मीडिया में इस चीज़ को लेकर कितना मतलब सेंसिटिव होना चाहिए मीडिया को। सो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया है फिल्म में, एंड नाउ अडेज आई थिंक मीडिया थोड़ी सी ज़्यादा उससे सेंसिटिव है। सर मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहा है कि ये इससे पहले भी बहुत फिल्में बनी, वेब सीरीज़ भी बनी, बट इस फिल्म को दिखाने का तरीका कुछ अलग था। और हर एक सीन आप देखोगे ना तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है हमसे, स्मूथली चल रहा है। और इमोशन को उन्होंने कैप्चर किया, हर एक मोमेंट को कैप्चर किया कि, और हम इंडियन होते हैं, हम आम लोग जब चीज़ को देखते हैं कि भाई आर्मी लोगों की लाइफ क्या है, नेवी लोगों की लाइफ क्या है, तो वो चीज़ को, और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने लोगों को बचाया कैसे, हर एक चीज़ का मूवमेंट, डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड, एक्टिंग वाइज साई मांजरेकर का जो भी कैरेक्टर था अच्छा था, प्रकाश राज वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया मूवी है और इन्हीं के कारण बॉलीवुड जो है चल रही है। और मैं बोलना चाहूँगा कि हर फैमिली अपने बच्चों के साथ आकर के ये मूवी को यहाँ पर देखें, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून, एक उत्साह पैदा होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्जर, मैं देश के लिए जान दे दूंगा और कुछ करना है देश के लिए। मैं तीन बातें इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारा ऑडियंस जो कश्मीर फाइल्स और ऐसे मूवीज़ के लिए थ्रॉन्ग करता है, हर एक एम्प्टी सीट जो सिनेमा में थी वो मुझे टॉन्ट कर रही थी, मुझे टीज कर रही थी कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे लोगों की मेमोरीज को क्या हो गया, हमारे लोगों की इमोशंस को क्या हो गया, क्यों ये थिएटर भरा हुआ नहीं है, इतना जल्दी हम भूल जाते हैं। ये इतना अच्छा मूवी है, हर इंडियन को ज़रूर देखना चाहिए। 10 out of 10 जो भी हो सर, 5 star, आई विल गिव इट 4। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।